विरुद्ध शिव पुरंदर भद्र नट युगंधर वन्न मन्न गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ शून्य से भी सूक्ष्म है आकाश से अनंत है तू मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है तू अंत है। केदारनाथ। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव का वो पावन धाम है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। ये जगह जितनी खूबसूरत है उससे कई ज़्यादा इसकी महत्ता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम आज केदारनाथ धाम और उससे जुड़ी यात्रा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ की कहानी से। दोस्तों, पुरानी मान्यताओं और पुराणों में केदार भगवान के बारे में जिक्र किया हुआ है। जैसे वायु पुराण के केदारकंठ के अनुसार माना जाता है भगवान शिव ने धरती पर नर नारायण की तपस्या से खुश होकर इस पावन धरती पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए थे। और स्कंद पुराण के केदारकंठ के अनुसार जब पांडव अपने भाइयों की हत्या के पश्चाताप के लिए भगवान शिव की खोज में निकले तब भगवान शिव ने इन्हें यहाँ पर बैल के पिष्ट रूप में दर्शन दिए थे। केदारनाथ यात्रा जितनी पावन है उतनी ही अपने आप में एक जन्नत से कम नहीं है। केदारनाथ यात्रा को पूरा करने में कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लगता है। सारा हर लिया तमस मेरा। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश होकर देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त मुनि और सोनप्रयाग जैसे खूबसूरत स्थानों का नजारा लेते हुए गौरीकुंड पहुंचा जा सकता है। गौरीकुंड से ही केदारनाथ ट्रैक शुरू होता है। अगर आपको हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा करनी है तो आप गुप्तकाशी, फाटा और सरसी से हेलीकॉप्टर राइड ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन प्री बुकिंग करवानी होगी। गौरीकुंड से ज़्यादातर घोड़े, खच्चर, पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है। गौरीकुंड से जंगल चट्टी और भीमबाली आता है। पहले ये ट्रैक रामबाड़ा होकर जाता था, लेकिन 2013 की आपदा के बाद मंदाकिनी नदी के दाहिनी ओर से एक ब्रिज बनाकर एक नए रास्ते का निर्माण किया गया। ये रास्ता 16 किलोमीटर के ट्रैक से थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन ये यात्रा वर्थफुल है। ये ट्रैक कंप्लीट कर जब आप केदारनाथ धाम पहुंचते हैं तो वह नज़ारा एक सुकून भरा होता है। केदारनाथ धाम के दर्शन कर आप अगले दिन वापस ट्रैक करके गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ। इसके अलावा अगर आपको इस यात्रा से जुड़ी कुछ और क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द वंडर्स ऑफ नेचर। जय भोलेनाथ।